नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, बिहार के अंदर में जो लोकसभा चुनाव अभी है उसमें दो सीटों को लेकर के काफी चर्चा है, एक बेगूसराय कन्हैया कुमार को और लेकर के, और एक पप्पू यादव को लेकर के पूर्णिया। और इस पे हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एआरएसएफ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में हैं बिहार के किसान सभा के सचिव रविनाथ राय। हम इनसे विशेष इस पे बातचीत करेंगे कि इस पे महागठबंधन का और इंडिया अलायंस है, इस पे इनका क्या विचार है कन्हैया कुमार को लेकर के और पप्पू यादव को लेकर के। सर, तो सबसे पहले कन्हैया कुमार पे हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या गठबंधन जो है महागठबंधन, क्यों नहीं एक यूथ चेहरा था और कन्हैया कुमार को सब लोग मिल करके वहाँ से आगे करते, सीट इस बार देते। देखिए, कन्हैया कुमार को तो सब लोगों ने मिलकर के यूथ चेहरा के नाम पर लंबे समय से उनको मौका दिया। पिछला चुनाव भी उनको लड़ाया गया और पूरे देश से उनको सपोर्ट मिला। हारना जीतना एक अलग बात थी। बिहार में मुख्य तौर पर जिस पार्टी में कन्हैया थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, उस पार्टी ने तमाम सीटों को सैक्रिफाइस करके कन्हैया के सीट पर कंसंट्रेट किया था और उनके वजह से वो दूसरी जगहों पर हमने चुनाव में भी ध्यान भी नहीं दिया था। तो मौका कन्हैया को नहीं दिया गया, ऐसी बात नहीं थी। कन्हैया तो पार्टी छोड़ करके गए, कांग्रेस में गए। कन्हैया को जिस रूप में, जिस कन्हैया को लोग और देश के लोग, खासतौर पर देश का युवा चाहता था, वो कन्हैया ने अपने आप उसमें बदलाव लाया। अब रहा मामला बेगूसराय में उनके फिर से चुनाव लड़ने का, तो बेगूसराय ट्रेडिशनली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सीट रही है। कई बार वहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ी है, हम जीतते रहे हैं। अगर हारे भी हैं तो कड़ी मशक्कत के बाद बहुत कम वोटों से हारे हैं। पिछली बार भी कन्हैया हमारे कैंडिडेट थे। सीपीआई लड़ रही थी, कन्हैया कैंडिडेट थे, पार्टी लड़ रही थी, तो कैसे वो कन्हैया अब दावा कर सकते हैं कि वो मेरी सीट है? सीट तो पार्टी के नाम से लड़ी जाती है, कोई व्यक्ति के नाम से नहीं लड़ी जाती है। और कन्हैया को चुनाव लड़ने का इतना ही है कि बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, बिहार के और कन्हैया भी बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं। बिहार के तो लीडर हैं नहीं, वो तो राष्ट्रीय नेता हैं। तो बिहार के किसी भी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ जाए, बेगूसराय ही क्यों? और बेगूसराय क्यों छोड़ेगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? महागठबंधन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उस परंपरागत सीट को कम्युनिस्ट पार्टी के लिए तय कर दिया है और हमने अपने कैंडिडेट का भी घोषणा कर दिया। अब तो कन्हैया को वहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। सच्चाई यह है कि कन्हैया आएंगे तो उनकी अपनी भद भी पिटेगी और महागठबंधन के हार का भी कारण बनेंगे और बीजेपी को क्लीन स्वीप दिलाने में कन्हैया की भूमिका होगी। इसलिए बेहतर हो कि कन्हैया वहाँ से चुनाव लड़ने की मंशा छोड़ दे, कांग्रेस पार्टी भी अपनी जिद को छोड़ दे। हम लोग ये असलियत को जानते हैं कि बिहार की कांग्रेस कन्हैया के लिए कितनी बेचैन है। अगर इतनी बेचैन रहती तो कोई और सीट के लिए कन्हैया को चुनाव लड़वा सकती। इसलिए हर हालत में वहाँ पर भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिसको महागठबंधन ने चुनाव लड़ने के लिए तय कर लिया है, महागठबंधन की मीटिंग के केंद्र में तय हो चुका है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। सर, मतलब हमारा सवाल ये है कि जैसे सीटों का जो बंटवारा हो रहा था तो उस समय आप जो कम्युनिस्ट पार्टी है महागठबंधन में है तो उनको तो मधुबनी का भी सीट है, बांका है, कई ऐसा सीट था, तो बेगूसराय के लिए ही क्यों ऐसा किए? वहाँ से तो पिछली बार कन्हैया कुमार रहे थे सीपीआई से, फिर वो कांग्रेस में चले गए। तो एक तो सीपीआई को भी आगे होना चाहिए कि नहीं, एक यूथ चेहरा है, कांग्रेस का ही है, चर्चित हैं देश के अंदर में, तो बैकफुट पे जा करके मधुबनी से चुनाव लड़ते सीपीआई पार्टी। देखिए, सीपीआई ने तो पहले ही, और सीपीआई का एक इतिहास रहा है, वो पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर अपने सैद्धांतिक पक्षों को लेकर के
अपने हम चुनाव जीतें या ना जीतें हमारे सीपीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस बात के रहा है कि हम जिन सिद्धांतों को लेकर के चाहते हैं, जिस तरह के फोर्सेस के सत्ता देश में हम देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने सेक्रीफाइस किया। अभी भी जो हम लोगों ने डिमांड किया था महागठबंधन के अंदर में, हम चाहते तो बिहार के अंदर में हम तो 8-8 सीट तक जीते हुए हैं, कई बार अपने बदौलत जीते हुए हैं, तो हम तो क्लेम कर सकते थे कम से कम उन 8 सीटों को भी जहाँ पर हम जीते हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर हमारा ट्रेडिशनली बहुत मजबूत बेस रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोच समझ करके, चूंकि एडजस्टमेंट करना था और एडजस्टमेंट नहीं करने का नतीजा हम लोगों ने 1919 में देख लिया था, 15 में भी देख लिया था, एडजस्टमेंट नहीं होने का नतीजा देख लिया था, इसलिए हमने मात्र अपनी उन 3 सीटों के बारे में बात किया, बेगूसराय, बांका और मधुबनी। तो बेगूसराय अगर हम कंपेयर करें बिहार में किसी और सीट से, तो सीपीआई के लिए सबसे कंफर्टेबल ही नहीं, सबसे मजबूत जन आधार वाला कोई सीट है सांगठनिक दृष्टिकोण से, और सीपीआई अपने सांगठनिक ताकत पर ही भरोसा करता है, वो हमारा बेगूसराय है। पिछली बार सीपीआई ने कन्हैया को लड़ाया था, कन्हैया का सीट नहीं था, वो सीपीआई का सीट था, सीपीआई ने एक यंग इमर्जिंग लीडर को कन्हैया को चुना लड़ाया, और कन्हैया अगर शायद सीपीआई में ही रहते, कांग्रेस में नहीं गए होते, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि कन्हैया सीपीआई के कैंडिडेट फिर से बने।